पर दोस्तों कुंडली भाग्य के आने वाले एपिसोड का ज़्यादा दिलचस्प देखने को मिलेगा, क्योंकि दोस्तों यहाँ पर साफ साफ देखा जा सकता है कि किस तरीका से पलकी बात करती हुई नजर आएगी प्रीता से और करण से। जी हाँ, क्योंकि यहाँ पर बात बताती हुई नजर आएगी कि सनाया की फैमिली क्या जवाब दे रही है और उनके दिमाग में क्या चल रहा है। आप लोग जानते ही हैं कि कहानी का एक नहीं बल्कि समय कई और भी ट्विस्ट आते हुए नज़र आ रहे हैं, क्योंकि फाइनली अब जल्दी ही सभी लोगों को पता चल जाएगा कि यहाँ पर सनाया के दिमाग में कुछ और चल रहा है और यहाँ पर बात की जाए तो निधि ने कुछ और डाल रखा है सौर्य के माइंड में। दोस्तों यहाँ पर कहानी एक नहीं बल्कि कई रूपों से बेहद ज़्यादा खास भी देखने को मिलती हुई नज़र आने वाली है। सूत्रों के हवाले से दोस्तों एक और भी खबर मिल रही है इस समय की, और इस समय की सबसे बड़ी खबर ये भी है कि यहाँ पर निधि साफ साफ बोलती ही नजर आएगी कि जो होता है अच्छे के लिए होता है, क्योंकि यहाँ पर निधि ने ये माना है कि मैं किसी तरीका से पलकी और यहाँ पर राजवीर इन दोनों के साथ ही नहीं होने दूंगी, चाहे इसके लिए मुझे कुछ भी क्यों ना करना पड़े। आप लोग जानते ही हैं कि कहानी का एक और भी बेहतरीन दोस्त फिर से दस्तक देगा। दोस्तों सूत्रों के हवाले से सबसे बेहतर खबर जो मिल रही है वो यही मिल रही है कि प्रीता को किसी भी तरीका से निधि हम यानी निधि चोट पहुंचाना चाहती है। चोट पहुंचाने के लिए तो जितना हो सकता है इतना गिरने की कोशिश करती हुई नजर आएगी। दोस्तों आप लोग जानते ही हैं, कहते हैं जो होता है अच्छे के लिए होता है, लेकिन दोस्तों अब जो होने जा रहा है वो और भी घना दिलचस्प होता हुआ ही नज़र आएगा। आप लोगों को बता देना चाहता हूँ कि कहानी का एक और भी सबसे बेहतरीन ट्विस्ट फिर से दस्तक देगा। दोस्तों मेरा नाम है रोहित नागर, चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद में वीडियो को लाइक करें एंड कमेंट करके आप लोग मेरे को ज़रूर बताइए गाइस कैसी लग रही है आपको मेरी वीडियो। थैंक यू सो मच सपोर्ट करने के लिए, आप लोगों का धन्यवाद।